नमस्कार, स्वागत है वेब दुनिया समाचार में आपका। मैक्सिको में गोलीबारी, 43 लोगों की मौत। पश्चिमी मैक्सिको क्षेत्र में संघीय पुलिस के साथ गोलीबारी में कम से कम 43 संदिग्ध अपराधी मारे गए हैं। ये घटना मादक पदार्थ से जुड़े भीषण संघर्षों में से एक है। एक संघीय सरकारी अधिकारी ने बताया कि हथियारबंद लोगों के साथ मिचोआकान राज्य में शुक्रवार को हुई इस गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी मारा गया। गवर्नर साल्वाडोर जारा ने कहा कि ये झड़प तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध वाहन को रोका और उस वाहन में सवार लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। भारत में बड़े हमले की फिराक में था आईएस। आरिफ मजीद मामले में कोर्ट में पेश एनआईए की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट भारत में बड़े आतंकी हमले की फिराक में था। आतंकवादी हमलों के लिए इस्लामिक स्टेट ने मुंबई में आईएस समर्थक 4 लोगों को भर्ती किया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आईएस में शामिल होने के बाद 4 भारतीय नौजवानों को बुनियादी सैनिक ट्रेनिंग भी दी गई। उन्होंने इराक और सीरिया में आतंकवादी हमलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। नक्सलियों के कब्जे में 38 गांव, पुलिस लाचार। झारखंड के 38 गांव नक्सलवादियों के कब्जे में हैं, जो गुमला, लातेहार और लोहारदा जिले में आते हैं। डीजीपी डीके पांडे ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस का इन गांवों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि इन तीनों जिलों के 38 गांवों में पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं है। दूसरी ओर गुमला जिले के 35 बच्चों को नक्सलियों द्वारा अगवा कर लिया गया, जिन्हें ढूंढने या वापस लाने में जब पुलिस नाकाम हो गई तो हाईकोर्ट ने डीजीपी को फटकार लगाते हुए सेना की मदद लेने की सलाह दी। नकवी के गोमांस वाले बयान पर भड़के लोग। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा गोमांस खाने वालों पर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। राजनीति और फिल्म जगत के कई लोगों ने नकवी के बयान की कड़ी निंदा की है। जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि ये राष्ट्र के खिलाफ है और नकवी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उधर कांग्रेस नेता शांताराम नाइक ने कहा कि भाजपा के सभी संगठन चाहते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले जाएं और यही उनकी नीति रही है। फिल्मकार मुकेश भट्ट ने इसे किसी मंत्री द्वारा दिया गया सबसे मूर्खतापूर्ण बयान कहा। अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि हमें बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं कि हम इस देश के प्रति वफादार हैं। जयललिता की तमिलनाडु में 5वीं बार ताजपोशी। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य हुई अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता ने शनिवार को करीब 8 माह बाद 5वीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सुबह 11 बजे मद्रास विश्वविद्यालय शताब्दी सभागार में हुआ। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।